तो रोक रहा था वादा किसके हिसाब से किए थे? शुरू का दो पॉइंट नहीं चला, छेद है उस पॉइंट में, छेद है, आपके पॉइंट गंजे हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी कई बार झूठे दावे कर देती है, कुछ इसी तरह उन्होंने इस डिबेट में भी झूठे दावे कर दिए, जिसके बाद डिबेट के एंकर हमारे सुशांत जी ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को पहले तो पेला और फिर उनके हाथ में दे दिया केला। अब आगे आप खुद ही देख लीजिए क्या होता है इस डिबेट के अंदर। किल खान साहब, लोग पूछ रहे हैं कि आज ही अरविंद केजरीवाल उस कूड़े के पहाड़ के बीच क्यों गए, क्या एमसीडी के चुनाव की वजह से गए, और यमुना को साफ करने के लिए बीते 7 साल में उन्होंने क्या किया, और किया तो यमुना ऐसी क्यों दिख रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कूड़े के ढेरों के लिए कई महीनों सालों से हम लोग प्रोटेस्ट करते आए हैं और ये विजिट भी किए हैं, और इन लोगों को हम लोगों ने पूरे आम आदमी पार्टी के जितने भी जो भी जिम्मेदार नेता हैं सब लोगों ने इस बारे में जाके विजिट करके वहां बताया है और उनसे बोला है और सजेशन भी दिए हैं। अब वो कब इतना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए हैं भाजपा सरकार के अंदर और ये जो हमारी एमसीडी के अंदर, क्या ये एक छोटी सी समस्या है? ये वो छोटी समस्या, इतनी बड़ी समस्या नहीं है अगर इसको सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये हैंडल किया जा सकता है, दुनिया में हो रहा है हैंडल। और जो जमुना की बात कर रहे हैं, ये अगर पूरा डिटेल में दूं आपको, 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट है, अगर सुनना चाहते हैं मैं 14 पॉइंट सारे के सारे आपको बता दूंगा। उसके अंदर मेन पॉइंट में बता देता हूं अभी। जो जमुना जिस वजह से गंदी हो रही है, टॉक्सिन्स जहां इकट्ठे हो रहे हैं, उसका सबसे पहला कारण है कि सेग्रीगेशन ऑफ जो वेस्ट जो हमारे दिल्ली से जा रहा है और जमुना में जा रहा है, सेग्रीगेशन नहीं है, बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल वेस्ट को जो है ना अलग अलग करना चाहिए, बायो नॉन डिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल, इन दोनों को अलग करना जरूरी है। पूरी दुनिया की जितनी बड़ी सिटी है वहां ये होता है, इनको पता नहीं है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि ये कितने दुनिया के अंदर विश्व गुरु बन रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें ये पता नहीं है। दूसरी चीज ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जहां जहां भी पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, वहां पर इन्होंने क्लीनिंग सिस्टम को नहीं लगाया, वाटर क्लीनिंग सिस्टम पूरे दुनिया में होता है ये, कि मतलब जब वेस्ट आ रहा है जमुना के पहले उसके अंदर वहां पर क्लीनिंग सिस्टम नहीं है, उसके बाद टॉक्सिन से निकल के आते हैं घरों से, बहुत सारे टॉक्सिन। अरे सुन लीजिए, देखिए फिर कोई सिस्टम नहीं है पूरा, अकील खान होकर के सीधा जाए। आप सवाल सुनेंगे या सिर्फ आप प्रवचन? मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैंने आपकी बात पूरी सुनने के लिए मैंने 1 घंटे का शो नहीं रखा है, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ पलटकर उसका जवाब दीजिए। बात नहीं है, ये है प्रदूषण की बात। अरे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसको सुनेंगे आप या सिर्फ आप बोलते रहेंगे? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। आपने कहा सर, आपने कहा कि कूड़ा जो है वो यमुना में फेंक दिया जा रहा है, कूड़ा उसको बांटे हुए पूरे टॉक्सिन्स उसके पूरे टॉक्सिन। अरे भाई, कूड़ा अगर यमुना में फेंक रहे हैं तो ये कूड़े का पहाड़ कहाँ से आ रहा है फिर? कुछ नहीं करे इतने सालों से क्या? अरे भाई, कूड़े का पहाड़ कहाँ से आ रहा है अगर कूड़ा यमुना में फेंक दे रहे हैं तो? 10 करोड़ उधर खा लिए, 50 करोड़ उधर खा लिए, इसके अलावा इन्होंने कुछ काम किया है? और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल बनाई है जो खाली पड़ी हुई है और जो जर्जर हो चुकी है 8 साल के। अकील खान, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? आपके कान में कोई दिक्कत है? आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं सुनाई दे रहा तो मैं ऑडियो बढ़वाता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कूड़ा यमुना में फेंक दे रहे हैं, अगर कूड़ा यमुना में फेंक दे रहे हैं तो वो लैंडफिल पे कूड़े का पहाड़ फिर कहां से आ रहा है? कूड़ा नहीं, जो सीवेज सिस्टम से जा रहा है सर। हाँ, तो अभी आपने कहा कूड़ा फेंक दे रहे हैं सीवेज सिस्टम में। एक मिनट सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि, अरे भाई सुन लीजिए, आपने कहा, फिर भाई आप नॉन स्टॉप शुरू हो गए। बात को पकड़िए मत आप। मैं बात को पकड़ नहीं रहा हूँ, आप घुमा रहे हैं, मैं जगह पे ला रहा हूँ। दिल्ली की बहुत, मैं जगह पे ला रहा हूँ। सुनिए, आप कह रहे हैं अब सीवेज वहां जा रहा है, पहली बात। अब सुनिए, सीवेज वहां जा रहा है तो सीवेज में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, कूड़े में आप कर रहे थे, तो इसलिए पहले जो बोल रहे हैं उसका आधार तो मजबूत करके बैठिए। पहली बात, आप ना, आप दूसरी बात सुनिए। अरे मेरी बात, फिर वही बात, फिर नॉन स्टॉप, अब मेरी बात सुनिए। दूसरी बात कि अगर ये कूड़ा ये लोग जो है यमुना में डाल दे रहे हैं, और आपने कहा था कि हम 5 साल में यमुना में साफ, यमुना में डुबकी लगवा देंगे, तो वो किस आधार पे कहा था? लगवा देंगे अभी, अरे लगवा देंगे 7 साल हो गया, कब लगवाएंगे? एमसीडी के चुनाव बीजेपी ने क्यों डिले किए हैं? मैं पूछ रहा हूँ, यमुना में डुबकी लगवाएंगे कह रहे हैं, एमसीडी के चुनाव हार के चक्कर में रहते हैं। जब बीजेपी एमसीडी में थी तो वादा क्यों किए 5 साल में डुबकी लगवाएंगे? पावर आकर के पैसा खाए हम। बीजेपी एमसीडी में थी तो यमुना साफ करने का वादा कैसे किया 5 साल में?
एमसीडी के इलेक्शन क्यों डिले किए? अरे हो जाती बहुत सारा काम। एमसीडी का इलेक्शन डिले किए अभी ना भाई, पिछले 7 साल में यमुना में क्या किए? अरे तो 7 साल में जो है ये इन्होंने क्या किया, पर ये पूरा टॉक्सिन से आप जमुना में फेंक रहे हैं तो वो रोकना था नहीं, रोकना था, वादा किसके हिसाब से किए थे? पूरा आ रहा है और अरे पूरे मेरे पास रिपोर्ट है सर, 14 पॉइंट की मैं आपको टाइम है, 14 पॉइंट आपका शुरू का 2 पॉइंट नहीं चला, 14 पॉइंट छेद है उस पॉइंट में, छेद है आपके पॉइंट गंजे हैं, आप भी नहीं दीवार लग। वाह जी वाह, क्या बोला एंड के अंदर, आपके पॉइंट गंजे हैं, मतलब गंजे हैं, अब समझदार को इशारे ही काफी कौन गंजे है और कौन नहीं गंजे है। वाह यार, मतलब सुशांत जी सैल्यूट आपको, ऐसे ही पोल खोलते रहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हमें क्या है भैया, हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट देने के लिए हमेशा ऐसी डिबेट देखने में बहुत मजा आता है भाई, आपको भी आते होंगे, मुझे भी आते हैं, इसीलिए तो भैया वीडियो बनाते हैं। और लेकिन आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ये अच्छी बात नहीं है यार आपकी यार, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब ही कर दो यार हमारे चैनल को यार, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा यार, और क्या चाहिए, क्या मांग रहे भाई आपसे हम, एक थोड़ा सा सब्सक्राइब का बटन ही तो मांग रहे हैं यार, बटन सॉरी दबाने के लिए तो बोल रहे हैं यार, प्लीज़ दबा दीजिए एक बटन को प्लीज़ यार, हाथ जोड़ के विनती है यार, ऐसे मत किया करो यार। बात रही डिबेट की तो भैया आम आदमी पार्टी को यही कहना चाहूँगा कि भैया झूठे वादे मत किया करो, क्योंकि क्योंकि जनता सब जानती है जब जब तुम झूठे वादे करोगे, जब जब जनता तुम्हें पेलेगी। यही वो पार्टी है भैया जो बोलती थी कि हम आम आदमी की बातें करते हैं, हम आम आदमी की, अरे काय की आम आदमी की बातें करते हो तुम, करते हो आम आदमी की बातें तुम, बहुत ही आम आदमी की बातें कर दी तुमने, हम लंदन बना देंगे भैया दिल्ली को, भाई लंदन छोड़ तू दिल्ली को, दिल्ली तो बनाते भाई पहले, लंदन बनाएगा दिल्ली को, बात करते हो मजाक करते हो, मजाक मत किया करो यार प्लीज़, क्योंकि मजाक अगर देखने को तो कॉमेडी सर्कस देखेंगे हम, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखेंगे हम, तुम्हें क्यों देखेंगे भाई, मजाक कर रहे हो यार, यार मजाक लगा रखी है। दोस्तों इसी के साथ डिबेट समाप्त करता हूँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।